कर्ण महाभारत के एक महान योद्धा और सूर्यदेव के पुत्र थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म और अपने आदर्शों का पालन किया। जब कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची, तो उन्हें वहां सोने, चांदी और रत्नों का भोजन परोसा गया। कर्ण ने यह देखकर आश्चर्य किया और देवताओं से पूछा कि उन्हें सामान्य भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब देवताओं ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी अपने पितरों को भोजन नहीं अर्पित किया था। कर्ण ने कहा कि वो इस बात से अनजान थे। उनके पूर्वज कौन थे, क्योंकि उन्हें अपने वास्तविक माता पिता के बारे में बहुत बाद में पता चला, इस कारण उन्होंने कभी श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। कर्ण ने देवी देवताओं से माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर लौटने का एक अवसर दिया जाए, ताकि वे अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इस दौरान कर्ण ने विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया और तर्पण किया। इसके बाद उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह स्वर्ग लौट गए। इस घटना के बाद से यह माना जाने लगा कि पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पितृपक्ष का महत्व है। इस समय के दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की परंपरा चलती आ रही है।